अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ हाफिज क्लॉथ गुजरांवाला। आज हम आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं। हमने सोचा कि प्रोडक्ट रिव्यूज़ काफ़ी हो गए थे, तो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो जाए जिसमें आपको बताया जाए कि मेंस सूटिंग के अंदर, मेंस सलवार कमीज के अंदर टॉप 5 ब्रांड्स कौन से हैं जो आजकल ट्रेंडिंग है, जो आजकल सबसे अच्छा कपड़ा बना रहे हैं, और प्राइस वाइज बेस्ट वैल्यू टू मनी कौन से ब्रांड्स हैं। तो आए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको अपने हम बॉक्स सेगमेंट की तरफ लेके चलते हैं और आपको उन ब्रांड्स के बारे में बताते हैं। जी, वैसे तो जेंट्स सूटिंग के अंदर जो आजकल पाकिस्तान में ब्रांड्स हैं उनका एक समंदर है, लेकिन हमने एक टॉप 5 ब्रांड्स इस बुनियाद पे निकाले हैं कि उनकी क्वालिटी कैसी है, उनकी प्राइस क्या है, वो वैल्यू टू मनी है या नहीं, और उनकी कस्टमर में डिमांड कैसी है। तो इन सारी बातों को नज़र में रखते हुए हमारे पास जो नंबर 1 माइंड में ब्रांड आता है वो ऑब्वियसली पाशा का ब्रांड है, जिसने सबसे पहले डब्बे को इंट्रोड्यूस किया। और जब थानों में कॉटन आती थी तो पाशा वो वाहिद ब्रांड है जिसने डब्बे के अंदर कॉटन को इंट्रोड्यूस किया और ये ट्रेंड शुरू किया। ये पाशा का सबसे हिट आर्टिकल है पाशा सिल्वर स्टोन, जिसकी वजह से पाशा फेमस है और इसमें भी काफ़ी कलर्स वगैरह आते हैं, पाशा में काफ़ी वैरायटीज आती हैं। आइए नंबर 2 ब्रांड की तरफ चलते हैं, पाशा का जो पाशा के मुकाबले का जो ब्रांड है डायनेस्टी। दूसरे नंबर पे हमारे पास डायनेस्टी है जो कि पाशा से किसी भी तरह से कम नहीं है। ये ब्रांड ऐसा है कि इसमें बहुत वैरायटी आती है, वॉशन वेयर हो जाए, कॉटन हो जाए, पाशा तो मखसूस वैरायटी बनाता है, लेकिन डायनेस्टी ऐसा ब्रांड है जो कि कम से कम रेंज में भी वैरायटी बनाता है और ज़्यादा से ज़्यादा रेंज में भी वैरायटी बनाता है। अब हमारा जो तीसरा ब्रांड है वो वैसे तो सर्दियों में बहुत हमारे पास इन होता है, लॉरेंसपुर, जिसकी वूल बहुत चलती है, लेकिन गर्मियों में भी इन्होंने अपना नाम बना लिया और ये इजिप्शियन कॉटन सिर्फ बनाते हैं गर्मियों के अंदर। ये इसकी कॉटन की वैरायटी आती है, ये भी बॉक्स के अंदर आता है और इसका वॉश एंड वेयर भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये तीसरे नंबर पर हमारे पास रैंक आ रहा है ब्रांड लॉरेंसपुर के नाम से। इसके बाद हमारे पास जो चौथे नंबर पे ब्रांड है वो गुलशा का है। गुलशा ऐसा ब्रांड है जो प्रीमियम रेंज सिर्फ बनाता है, इसकी टारगेट मार्केट जो है वो प्रीमियम है। इसका सूट 9,000-8,000 से शुरू होता है और वॉश एंड वेयर भी इसकी हाई रेंज में है और कपड़ा इसका 30,000-35,000 तक भी जाता है। इसके अंदर भी क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता और इसकी जो कपड़े की जो क्वालिटी है वो हमेशा से अच्छी आ रही है और उम्मीद है कि आती रहेगी। इसके बाद जो हमारे पास फाइनली पाँचवें नंबर पर ब्रांड है वो जैनजी का है। वैसे तो और भी काफ़ी ब्रांड्स थे, मोहतरम था, राजाज का था, नारकिंस का था, लेकिन हमने जैनजी को इसीलिए चूज़ किया है क्योंकि जैनजी ऐसा ब्रांड है जो वैल्यू टू मनी है। ये कम कीमत के अंदर अच्छा कपड़ा देने वाला वाहिद ब्रांड रह गया है पाकिस्तान में। बाकी तो ब्रांड्स जो हैं वो अपनी क्वालिटी के नाम पर, अपने नाम के ऊपर, बेस के ऊपर बहुत प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं, लेकिन जैनजी वो वाहिद ब्रांड है जो 3,000-3,500-4,000 के अंदर भी काफ़ी वैराइटीज़ दे रहा है और बहुत अच्छी क्वालिटी उस मुकाबले में दे रहा है, जो कि बाकी ब्रांड जो हैं इन्हीं क्वालिटीज़ के अंदर काफ़ी प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं। तो ये थे हमारे 5 ब्रांड्स जो कि मर्दाना के अंदर, जेंट्स के अंदर बहुत ही वेल नोन और बहुत प्रीमियम ब्रांड्स हैं। हमारे लिए ये टॉप 5 ब्रांड्स हैं। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा कोई ब्रांड्स हैं तो कॉमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएँ। इसके अलावा हमारी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ, हमें आपके इस तआवुन की बहुत ज़रूरत है। जज़ाकअल्लाह।